हेलो गाइस, आज मैं फिर से खेलने वाला हूँ द 20। लेकिन आज मैंने तुम्हारे लिए लगाया मिरर इफेक्ट, और आज की वीडियो में बॉब बग को मैं पीटूंगा और बॉब बग भी मेरे को पीटेंगे और बीटल से होगी फिर से मुलाकात और अपना मेन डोर एस्केप। काफी बढ़िया आज की वाली वीडियो होने वाली है, इसलिए पूरा देखना। हाय गाइस, स्वागत है आपका फिर से द 20 की सुहानी रात में। और आज मैंने तुम्हारे लिए लगाया मिरर इफेक्ट, जैसे कि तुम्हें दिख ही रहा होगा, काफी तुम्हें उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन मैं ठीक से खेल रहा था उस समय, लेकिन वॉइस ओवर के समय मैं भी इस तरह देख सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुम मेरी बातें समझ रहे होगे मेरे ख्याल से, कोई बात नहीं, नहीं समझ रहे तो कोई बात नहीं, कोई इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें मैं करता नहीं वैसे। तो फिलहाल अपनी मैंने स्टार्टिंग में स्ट्रैटेजी अपनी अपना लिया है, डायनामाइट यहाँ पे थ्रो करके मैं छुप रहा था कबड़ में, लेकिन अब देखना यहाँ पे होता क्या है। बक ने मेरे को छुपते हुए देख लिया, फिर क्या गुड्डी पकड़ के उठा लिया मेरे को, गुड्डी पकड़ के उठा लिया था तो और क्या, इसने करंट भी मेरे छाती पर लगा ही दिया और क्या, फिर ज़मीन में पटक दिया और क्या। तो फिलहाल अब बदला लेने का समय तो आ ही चुका था, मेरे पास था डायनामाइट और मैंने इन दोनों को फिर उड़ा दिया। यहाँ पे ना थोड़ी बदले की आग शांत हुई मेरी, और फिर अब बॉब भी नीचे गिर गया था, ठीक है। फिर मैंने यहाँ से फट्टा हटाने की कोशिश करी, फट्टा हटाई दिया, कोशिश क्या करी मैंने, और फिर मैंने क्या करा, इनकी तार बिजली काट के आ गया, मीटर चलेगा इनका। तो फिर जब मैं फटाफट से सीवर में से होता हुआ मैंने इनकी तार काट दी, और यहाँ से मेरे को आयरन कोक भी मिल गया था, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। मैंने डायनामाइट यहाँ पे छोड़ दिया अपना, और आयरन कोक लेके रफा दफा हो गया यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल अब मैं जा रहा था वापस इस आयरन कोक को लगाने, अपना इलेक्ट्रिक डोर खोलने, यहाँ से रिवॉल्वर का पार्ट मिलता है जिसकी मेरे को कोई भी ज़्यादा जरूरत नहीं थी। बॉब बग शायद अब तक जिंदा हो चुके थे, लेकिन मेरे को मैंने उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फटाफट से मैं ऊपर चलता हुआ कि मैंने इलेक्ट्रिक डोर खोला और आयरन कोक को यूज़ करा ऐसा हैवी थिंग, और यहाँ से मिलता है मेरे को डोर हैंडल, इससे प्लाज्मा गन वगैरह मिल सकती है, और प्लाज्मा गन के आसपास हो सकता है स्क्रू ड्राइवर या फिर स्विच बोर्ड की। लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं कोड डालने की कोशिश करता हूँ, लेकिन वर्क नहीं करता। फिर मैं नीचे बाथरूम में कोड मिल जाता है मेरे को, और वही कोड मैं यहाँ पे आके डालने की कोशिश करता हूँ, ये अब वर्क कर जाता है, और यहाँ से मिलता है बटन। बटन मैंने उससे मैं उठाया नहीं, मैंने सोचा पहले डिस्को पजल भी अपना सोल्व कर दूँ, मैं सिर्फ डिस्को पजल ही बोलता हूँ। ये भी खुल चुका था और उसमें से मिलती है हैंड व्हील, लेकिन उसको मैंने अभी उठाया नहीं क्योंकि मेरे पास इन्वेंट्री मेरी पूरी फुल थी। और अभी फिलहाल ओ भाई साहब, इसने इस समय मेरे को इतना डरा दिया था ना, एकदम से आ गया था सामने, और मैं अगर बचता ना ना मेरी गुड्डी पकड़ के उठा के मेरे को फिर से करंट लगा देता। लेकिन डराने का बदला मैंने इससे यहाँ पे लिया, इसको उड़ा दिया मैंने, मस्त बम से उड़ा दिया इसको मैंने। तो इसको उड़ाने के बाद थोड़ी शांति मिली, लेकिन इसका भाई उसी समय आ गया इस बदला लेने, लेकिन इसके भाई को भी मैंने फिर उड़ा ही दिया था बम से। तो अब शांति में थोड़ा मैं घूम सकता हूँ, लेकिन अब मैं जाता हूँ सीधा बीटल के पास, क्योंकि बीटल के पास वो कुछ बढ़िया आइटम पंप हैंडल वगैरह। तो फटाफट से बीटल के पास चलते हुए, और उसके लिए मैं लाया था डायनामाइट, और उस डायनामाइट को मैं फटाफट से कर लेता हूँ यूज़। तो अभी मेरे डायनामाइट से बच तो सकता नहीं था, ये आया और उड़ गया मेरे डायनामाइट से, और उसके पास से फिर मेरे को मिलता है पंप हैंडल, और फिर मैं इसके पंप हैंडल को लेके यहाँ से रफा दफा हो जाता हूँ। और जब मैं इस पंप हैंडल को लगाता हूँ, इसके अंदर से मिल दिया मेरे को स्विच बोर्ड की, जिससे मेरे को डायमंड मिल सकता था, और फिर क्या स्विच बोर्ड की फटाफट से उठा के डायमंड लेके आते हैं और क्या। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब मैं स्विच बोर्ड की लेके ऊपर जा रहा था, उसी समय बक आ रहा था बाथरूम से हो गए, तो फटाफट से मेरे को ऐसे 9-11 होना पड़ता है। लेकिन उस समय मेरे को मिल जाता है डायनामाइट किचन में से, और इस डायनामाइट से मैं इनको सबक सिखाता हूँ। लेकिन मैंने फिलहाल इस डायनामाइट को यूज़ नहीं करा, क्योंकि मैं सोच रहा दोनों इकट्ठे उड़ाने में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। लेकिन फिलहाल मेरे को यहाँ पे कोई डायनामाइट मिल जाता है, फिर अब मैं इनको एक एक करके उड़ा सकता था, इसलिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले स्विच बोर्ड की लगाई और दूसरा डायनामाइट मैंने उठा लिया, ताकि मैं दोनों को पीट सकूं। और यहाँ से फटाफट से डायमंड उठा लेते हैं, क्रोबार की मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्रोबार यहीं गिरा दी। लेकिन उसी समय बक आ गया मेरे को, डरा दिया इसने, और अब डराने की सजा इसको मिलने वाली, क्योंकि मेरे पास डायनामाइट में ये करा मैंने थ्रो, और फटाफट से मैंने बक को उड़ा दिया। अब फिलहाल इसको तो मैंने उड़ा दिया था, मैं फिर से जब नीचे जा रहा था, लेकिन इसका भाई बॉब आ जाता है और उसको भी मैं उड़ा देता हूँ। अब मैं आराम से सारे काम कर सकता था, तो यहाँ से बटन भी मिल जाता है, और साथ में बाहर से मेरे को हैंड व्हील भी मैं उठा सकता था, और हैंड व्हील को उठा के मैं फटाफट से यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि अब मैं नीचे का पानी निकाल सकता हूँ, और बटन और कोक व्हील से मैं कुछ भी मिल सकता है मेरे को, स्विच बोर्ड की वगैरह वगैरह, ठीक है। फटाफट से इस आयरन कोक को लगा के आते हैं, और इसके बाद में कोई अच्छा सा आइटम मिल जाएगा जिससे मैं एस्केप कर सकता हूँ उस घर में से। आयरन कोक लगाया, बटन दबाया, और फटाफट से मैं नीचे जा रहा था हैंड व्हील लगाने, ताकि यहाँ का मैं सारा पानी निकाल सकूँ, और फिर मेरे को मिल जाएगा गोल्ड कॉइन, और यहाँ पे मेरे को रेड की तो मिल गई थी, इस रेड की को उठा के फटाफट से चलते हैं और अपने और काम भी कर लेते हैं फटाफट से। और फिलहाल मेरे को यहाँ से डिस्पेंसर में से मिल जाता है डोर हैंडल, इस डोर हैंडल को उठा के फटाफट से मैं इस प्लाज्मा गन वाले डोर में लगा देता हूँ। यहाँ से मिल जाता है मेरे को स्क्रू ड्राइवर, जिससे गेम कम्प्लीट होनी काफ़ी ज़्यादा बिजी हो चुकी थी, अब आराम से हम एस्केप कर सकते हैं। तो फटाफट से स्क्रू ड्राइवर की मदद से मैं पेंटिंग उतारने के लिए जा रहा था, और यहाँ से इधर गया, और फटाफट से यहाँ से पेंटिंग के सारे नट खोल के इस पेंटिंग को फटाफट से लेके चलते हैं। तो फटाफट से मैंने इस पेंटिंग के सारे नट खोल दिए थे, और यहाँ से मैंने आयरन कोक ऐसा हैवी थिंग उठा लिया था, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गलत सीन हो जाता है, तुम डर मत जाना एक वक्त हो, मैंने पहले ही बताया था डरना मत यहाँ पे, कोई बात नहीं, इसने मेरे को पकड़ लिया था, लेकिन इसका बदला हम जरूर लेंगे।
थोड़ी देर वेट करो। तो ठीक है, अब इसका बदला लेने का समय आ चुका था और मैंने उड़ा दिया था इसका एक भाई, तो मैंने उड़ा दिया था, लेकिन अब दूसरे को भी उड़ाने का समय तो मिलता नहीं। लेकिन यहाँ से मैं एस्केप कर लूँगा अब जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहाँ पे आ रहा था बक और इसको फटाफट से चकमा देके अब एस्केप करने का समय आ चुका था। फटाफट से नीचे चल के अपना गोल्ड कॉइन उठाते हैं और डायमंड उठाते हैं और अपना एस्केप कर लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं इससे बदला लेने का, ऐसे ही पूरे वीडियो में पीट ही दिया था हमने इसे। डायमंड उठाया, गोल्ड कॉइन उठाया, चलो गाइस एस्केप करते हैं। और क्या करना है इस घर में, ये फटाफट से चलते हैं मेन डोर की तरफ और करते हैं अपना एस्केप। तो चलो गाइस आज की वाली वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे सब्सक्राइब होना और माइनक्राफ्ट हार्डकोर सीरीज के लिए फटाफट से इस वीडियो पर कर दो 25 लाइक्स। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।